भी थोड़ा मजेदार है। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा समझिएगा अच्छा से। दिया हुआ है इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू 3:4, बी इज टू सी इक्वल्स टू 2:3, फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। ठीक है, हम लोग पिछला जितना भी वीडियो उसमें क्या पढ़े कि ए इज टू बी दिया हुआ है, इसका वैल्यू बी इज टू सी इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब करना क्या है कि ए इज टू सी का निकाल देना था। अब यहाँ पे क्या है, ए इज टू बी इज टू सी तीनों का निकालना है। वह कैसे निकलेगा, तो वह ऐसे निकलेगा कि पहले हम लोग को ए इज टू बी जो है उसको लिख लेना है 3:4, और ये जो है बी इज टू सी इसको भी लिख लेना है 2:3। अब हम लोग को क्या करना है कि बी इज टू सी जो है उसको 1:3/2 ले जाना है, बी को 1 कर देना है। पहले सबसे पहले ये करना है, 2 को उस तरफ ले जाना है। अब इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि 1:3/2 आ गया है। अब बी 1 है और यहाँ पे बी 3 है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई 3 बी इज टू सी, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर 3:3 9/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया बी इज टू सी इक्वल्स टू 3:9/2, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इज टू बी इज टू सी इक्वल्स टू, ए क्या है 3, ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे बी क्या है 4 है, तो आपको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 12 12। ठीक है, तो ये कट गया तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा कितना 4:6, इसको अब नहीं काटना है। ठीक है, 4 आ गया यहाँ पे भी 4 आ गया, तो ये हो गया 3 और b क्या है यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4, तो 4:6 सी है 6। अब ये बराबर क्यों किया, अगर बराबर नहीं करते तो फिर मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे b क्या है यहाँ पे b कुछ और है। अब बराबर कर दिए, अब कोई टेंशन नहीं है। अब ये हो गया आंसर, ये आ गया आपका आंसर। इसी तरह ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत इजी है, आप लोग समझ गए होंगे शायद, नहीं समझे तो बार बार देखिए भाई। अब हम लोग नहीं कर सकते इससे ज़्यादा इजी, नहीं समझा सकते।